सभी छात्रों को सुभाषिस। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उन पहले दो वीडियो को जरूर देखें। ये मेरा तीसरा वीडियो है। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट में एक पॉइंट आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऐसा करते हैं, जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनका व्यवहार एन आइसोट्रॉपिक कहलाता है। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब विषम दैशिक प्रकृति। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस अलग अलग दिशाओं में भी समान प्रकार के भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो अलग अलग दिशाओं में समान प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होंगे। तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट होगी कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के और अक्रिस्टलीय ठोस सम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अब बात आती है कि हम लोग इसको अपनी कॉपी पर किस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक चित्र की ओर ले चलूंगा और उस चित्र में आप बड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे इसको स्पष्ट करता हूँ। मैं मान लेता हूँ हमारे पास क्रिस्टल सॉलिड में, क्रिस्टलीय ठोस में मैं आयनिक सॉलिड को लेता हूँ। मैंने देखिए बच्चों, एक चित्र बनाया है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने जो ऊपर चित्र बनाया है ये आयनिक सॉलिड का। इस आयनिक सॉलिड में बहुत ध्यान से देखिएगा, इस आयनिक सॉलिड में एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, इस तरह से कंटिन्यू एक रेगुलर अरेंजमेंट में ये अरेंज। अगर हम लोग इस व्यवस्था को देखें तो यह व्यवस्था डिसिप्लिन है, रेगुलर है और लॉन्ग रेंज के लिए। अगर हम लोग इस डायरेक्शन से इधर की ओर चलते हैं, इस डायरेक्शन से इधर की ओर चलते हैं, तो आप देखिएगा आपको एक धनायन फिर ऋणायन धनायन फिर ऋणायन धनायन फिर ऋणायन धनायन फिर ऋणायन, एक डिसिप्लिन ऑर्डर आपको मिलता। बिल्कुल बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक डिसिप्लिन ऑर्डर आप पाते जब आप इधर से इधर की ओर चलते, एक दिशा में एक जैसा व्यू। अब आप देखिएगा, मैं दूसरी दिशा की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं, मैं यहां पर इस तरह से चेंज इस तरह से दिखाऊं, अब आप देखिएगा आपको धनायन और ऋणायन नहीं मिल रहे, आपको ये दोनों ऋणायन मिल रहे। अभी इससे पहले क्या था, एक तरफ धनायन एक तरफ ऋणायन, एक तरफ धनायन एक तरफ ऋणायन। अब क्या हुआ, आपने जैसी डायरेक्शन चेंज की ऋणायन ऋणायन आपको। फिर आप देखिएगा, आगे एक और पॉइंट बताता हूँ, आप देखिएगा मैं फिर इस तरह से अब तीन चीजों को यहाँ पर तीन आयंस को लेकर के मैं बात करूंगा। अब मैंने इस तरह से एक लाइन खींची तो आप देखिएगा धनायन धनायन और फिर धनायन, व्यवहार चेंज हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, फिर व्यवहार चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं मैं इधर से इधर एक इस दिशा में गया तो आपको धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन एक कंटिन्यू डिसिप्लिन ऑर्डर में मिले। लेकिन जैसे ही मैंने इस डायरेक्शन को चेंज किया, इसका व्यवहार भी चेंज हो। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो की जाएगी अगर इस तरह का नेचर हमको दिखेगा। आयंस में बदलाव हो गए, जब आयंस में बदलाव होगी तो निश्चित रूप से बच्चों उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। क्लियर हो गया? आप लोग अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, धनायन ऋणायन इस तरह से आप अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि
एक दिशा में बिल्कुल डिसिप्लिन ऑर्डर में अरेंज है, लेकिन जैसे ही आप दिशाएं चेंज करते हैं आपको कणों की जो व्यवस्था है उसमें डिसिप्लिन नहीं मिलेगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और जब परिवर्तन आ जाएगा तो बच्चों मैं कह सकता हूँ उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर ये जो नीचे हमारा डायग्राम बना हुआ है क्रिस्टलीय ठोस वाला आप देख पा रहे होंगे, इसमें कणों की जो व्यवस्था है वो डिसिप्लिन ऑर्डर में नहीं, डिसिप्लिन ऑर्डर में ना हो पाने के कारण बच्चों इसके द्वारा अलग अलग दिशाओं में भी सेम प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किसी शादी पार्टी में आपने देखा होगा दो टाइम हमको ऐसी कंडीशंस मिलती है, एक जयमाल के समय और दूसरा खाने के समय। आपने खाने के समय देखा होगा एक ही स्थान पर मेल फीमेल और चिल्ड्रन अर्थात उनके बच्चे पूरे ग्राउंड में इकट्ठे रहते हैं। आप एक तरफ जाएंगे मेल फीमेल चिल्ड्रन, दूसरी तरफ जाएंगे मेल फीमेल चिल्ड्रन, तीसरी ओर जाएंगे मेल फीमेल चिल्ड्रन, आप जिस तरफ जाएंगे उस तरफ आपको मेल फीमेल और चिल्ड्रन तीनों लोग मिलेंगे। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि उनकी जो कणों की जो व्यवस्था है उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, और इसी प्रकार की व्यवस्था को हम लोग आकर्षित लिए ठोस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कणों की व्यवस्था भी रेगुलर नहीं है, लेकिन जब आप लोग जयमाल के समय देखेंगे तो आप पाएंगे एक तरफ की पंक्तियों में मेल बैठेंगे, एक तरफ की पंक्तियों में फीमेल बैठेंगे। हो सकता है बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी अलग से की जाए, तो उस समय आप क्या पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था रेगुलर है, मेल अलग फीमेल अलग चिल्ड्रन अलग। अब आप एक दिशा से अध्ययन करेंगे तो आपको मेल मिलेंगे, एक तरफ से स्टडी करेंगे तो फीमेल मिलेंगे, और एक तरफ से स्टडी करेंगे तो आपको चिल्ड्रन मिलेंगे। जब रेगुलर व्यवस्था होगी तो आप देखेंगे, मैंने बताया अभी एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल एक तरफ चिल्ड्रन, अब आप देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एक दिशा में जाएंगे तो आपको एक जैसी कंडीशन, दूसरी दिशा में जाएंगे दूसरी जैसी कंडीशन, अलग दिशा में जाएंगे तो फिर अलग जैसी कंडीशन। तो जहाँ डिसिप्लिन ऑर्डर होगा वहाँ बच्चों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो किया जाएगा। पूर्णतः मैंने स्पष्ट कर दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कणों की व्यवस्था रेगुलर और डिसिप्लिन होती है, इसीलिए वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। और ऐसा ना हो पाने के कारण ही अक्रिस्टलीय ठोसों के द्वारा अलग अलग दिशाओं में भी एक ही प्रकार के एक ही जैसे भौतिक गुण दर्शाए। मैं चाहता हूँ आप स्पष्ट हो गया होगा, आप अपनी कॉपी पर भी इसको बना करके देखें, और मैं अपनी अगली वीडियो में क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करूँगा। संभवतः आज या कल मैं आपको अपनी अगली वीडियो प्रस्तुत करूँगा, और आप उस वीडियो को जरूर देखें। यदि इसमें कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह गया तो आप जरूर मुझे कमेंट करें मेरे नंबर पर। तब तक के लिए खुश रहें, घर पर रहें।